देखो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस प्लस में माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक, अब जो है देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ से अगर दोनों को पेयरिंग पुट कर, मतलब दोनों को पेयर बना के तुम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पेयर बना के अगर तुम कॉमन लोगे, तो देखो ये स्टेप से बैक में ये स्टेप में ही चले जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा, आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कुछ दूसरे को लेके पेयरिंग करना है। ठीक है, दूसरा कुछ लेना है। देखो यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई ए स्क्वायर है, ठीक है, या फिर एक्स वाई बी स्क्वायर है। तो मतलब किसी का कुछ दूसरा पेयरिंग करना है, तो कौन सा को करेंगे। देखो यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई ए स्क्वायर है, तो चलो यहाँ पे ए तो कॉमन हो रहा है, तो इसको और इसको लेके चलो पेयरिंग करते हैं। तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, फिर प्लस, अब इसको इसको लेके पेयरिंग क्या है, अब चलो इसको इसको लेते हैं, तो ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन वॉमन लेते हैं कि देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, ये दोनों को लेके पेयरिंग बनाया, तो यहाँ पे देखो ए कॉमन जा रहा है, तो ए अगर बाहर में जाएगा और क्या, हाँ एक्स भी हो रहा है, ठीक है, एक्स भी हो रहा है, तो ए तो हुआ एक्स भी हुआ और कुछ नहीं होगा, तो ए एंड एक्स, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बी बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स, एक एक्स बाहर आ गया है तो वो नहीं बैठेगा, तो वाई, वाई यहाँ पे बैठेगा और ए होगा, ठीक है, तो ये बचा यहाँ पे, ठीक है, पेयरिंग हम ये दोनों को लेके बनाया था जो हम अभी लाइन मिटाया, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों को लेके पेयरिंग बना, मतलब बनाया है हम लोग, तो यहाँ से कॉमन लो, तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, मतलब वाई तो कॉमन जा रहा है और बी वाई जा रहा है, ठीक है, मतलब बी भी जाएगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे जो है तो बी जाएगा, यहाँ पे वाई तो है, यहाँ पे वाई है, एक है तो वाई भी जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ए को लिख दो, क्योंकि ए तो कॉमन नहीं गया है, और ए वाई, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एक्स बैठ रहा है और फिर बी बैठ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे देखो ये दोनों का मैचिंग आ नहीं रहा, ठीक है, तो इसको हम वाई ए को हम लोग तो ए वाई लिख ही सकते हैं, ए वाई हम लोग ये लिख सकते हैं, तो अब देखो अब क्या कुछ सिमिलरिटी आ रहा है, ये जो वाई ए लिखा था तो वाई ए को हम लोग ए वाई लिख सकते हैं, क्योंकि टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स होता है, थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स होता है, तो मल्टीप्लाई के टाइम आंसर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला माइनस है, लेकिन ये दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है, जैसे कि सोचो कि तुम्हारा यहाँ पे 2 into 3 minus 4 into 3 है, ठीक है, तो ये दोनों को तुम इंटरचेंज कर दो कि 3 into 2 minus, ये दोनों को भी इंटरचेंज कर दो कि 3 into 4, ठीक है, 3 into 4, तो देखो आंसर में कुछ चेंजेस आएगा, यहाँ पे भी आ रहा है कि 6 minus 12, यहाँ पे भी आ रहा है 6 minus 12, है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों का जगह हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ये चेंज करने से ये आंसर चेंज नहीं होता है। तो अब देखो ये तो है, ये वाई ए हम लिखा था, तो ए वाई क्या है, तो क्यू, उसका आंसर हम यहाँ पे दिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है ना, देखो बी एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ पे देखो ए वाई माइनस एक्स बी, तो एक्स बी है, तो मतलब इसी को भी हम लोग चेंज करके बी एक्स कर सकते हैं, बी एक्स कर सकते हैं, मतलब इसका जैसा किया है हम यहाँ पे, और फिर इसका जैसा यहाँ पे किया है, सिंपल सा, कोई भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे ना एक सिमिलरिटी है, अब देखो समझ में आ रहा है कुछ, देखो यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे ए वाई है, यहाँ पे ए वाई है, तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जितना सारा मटेरियल्स है, मटेरियल्स नहीं है, जितना सारा एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो ये दोनों का साइन में डिफरेंस है, तो ऐसा टाइप का सम भी हम लोग पहले किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दोनों का साइन चेंज करना है ना, दोनों का साइन चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसको ऐसा रहने दो, मतलब क्या ए एक्स यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या इसका साइन चेंज करना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर में एक तो माइनस ले लो, तो यहाँ पे बी वाई आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, बाहर में माइनस आया तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ए वाई जो था वो माइनस ए वाई हो जाएगा और बी एक्स जो था वो प्लस बी एक्स हो जाएगा, मतलब समझ में, ऐसा टाइप का सम हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जब भी ऐसा वाला सिचुएशन आएगा कि साइन का चेंज करना है, तो बाहर में एक तो माइनस ले लो, अब क्या है थोड़ा सा सजा के लिखो, देखो कि सम बन गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस मतलब एक्स ये और यहाँ पे बी वाई, तो इसको घुमा के लिखो, बी एक्स जो है प्लस में है तो बी एक्स को पहले लिखो और माइनस ए वाई को बाद में लिखो, अब चेक करो सेम आया, हाँ आया, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो माइनस टू प्लस थ्री,
मतलब माइनस टू प्लस थ्री इसको ले रहे हैं, इसका कुछ आंसर आएगा और फिर ये दोनों को हम इंटरचेंज कर दिया, तो मतलब क्या प्लस थ्री को इधर लेके आया माइनस टू को इधर लेके गया। अब देखो वह इंटरचेंज मतलब यहाँ पे माइनस ए वाई प्लस बी एक्स था, ये माइनस ए वाई को हम माइनस टू लिया, प्लस बी एक्स को माइनस प्लस थ्री लिया, एक रैंडम कुछ नंबर्स चूज किया ताकि तुम लोगों का समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये दोनों का जगह अदला बदली कर दिया, अब आंसर चेक करो, बड़ा का साइन बैठेगा सम विल बी सब्ट्रैक्टेड वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा का साइन बैठेगा सम विल बी सब्ट्रैक्टेड दैट इज वन, तो आंसर सेम हो रहा है। तो ये दोनों का जगह चेंज करने से मेरा आंसर चेंज नहीं होता है, क्यों? अब तुम बताओगे कि सर ये तो एलजेब्रा है, ये तो नंबर्स है। अरे बेटा ये एलजेब्रा मतलब ये जो वेरिएबल है ना ये अननोन वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल के अंदर जो है ना ये यहाँ पे सारे नंबर्स ही छुपा हुआ है, बस वो नंबर्स तुमको पता नहीं है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या एलजेब्रा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सेम रियल नंबर जैसा ही होता है, इसीलिए रियल नंबर्स देखे तुमको समझा रहे ताकि तुम्हारा समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखो ये और ये पूरा सिमिलर आ गया, तो अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है, यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पे एक्स माइनस बी वाई, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में है एम माइनस वन माइनस एम माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एम माइनस एम माइनस ए, ठीक है। अब देखो ये वाला सम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। यहां पे ना तुम सम को कैसे देख रहे हो तुम्हारा विजन डिपेंड करेगा, तुम्हारा विजन क्या है, ठीक है, वही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे m माइनस वन को एक टर्म ले लो, माइनस m माइनस वन का होल स्क्वायर तो है ही, और यहां से देखो प्लस a कॉमन होगा तो m माइनस वन। अब देखो m माइनस वन तीनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, बचा क्या, यहाँ पे m माइनस वन था निकल गया तो क्या बचा वन, माइनस यहाँ पे m माइनस वन दो था तो एक निकल गया तो एक और होगा। अब यहाँ पे प्लस तो ये m माइनस वन निकल गया तो क्या बचा a बचा, ठीक। अब यहाँ पे एक तो अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा तो बाहर में एक तो सेकंड ब्रैकेट पुट कर देना। अब क्या हुआ m माइनस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस एम प्लस वन प्लस ए, ठीक। अब देखो ये वन तो टू हो जाएगा तो m माइनस वन यहाँ पे ये वन कम होगा तो टू माइनस एम प्लस ए, तो दिस विल बी आवर आंसर, मतलब समझ में आया। हाँ हम यहाँ पे क्या किए, ये तीनों था तो इसको एक टर्म बना दिया, ठीक है, और इसको जो था वही यहाँ पे हम लोग कॉमन लिया है, और कॉमन लेने के बाद हम लोग पूरा ये तीनों से a माइनस वन को कॉमन लिया। अब ये ब्रैकेट में जो था क्योंकि एक अलग टर्म है तो इसलिए ये ब्रैकेट में चला आया, जब माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे वन वन का काम हो रहा था तो काम कर लिया, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। अब जो है क्वेश्चन नंबर थ्री का वन, देखो ये क्वेश्चन नंबर थ्री का वन में फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मिक्स सम्स है, ठीक है, मिक्स ऑप्शंस है। तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस के टाइम यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब माइनस होगा ए माइनस बी प्लस सी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ पे किया है, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखो 25 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम ऐसा भी टाइप का सम भी हम लोग पहले किया है, ये जो 5 है हम क्या करेंगे 5 को 5 ले लो और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस वाई ब्रैकेट में करो, अब इसका होल स्क्वायर कर दो, कर ही सकते हैं हम, माइनस यहाँ पे 4x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर कर दो। अब जो है ना अलग अलग से मत करना, पहले इसको एक टर्म बनाओ, ऐसा ब्रैकेट के अंदर एक टर्म रहेगा, ठीक है, वैसा बनाओ। तो क्या होगा ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10x माइनस 5y इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 8y होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या 10x माइनस 5y प्लस 4x माइनस 8y, क्योंकि बीच में प्लस हो रहा है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक और क्या हो जाएगा 10x माइनस 5y, बीच में माइनस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 8y, समझ में आया, तो दिस विल बी आवर आंसर, हो गया।
अब देखो यहाँ पे ये क्या आंसर है, नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे देखो एक्स और एक्स का काम होगा, वाई और वाई का काम भी होगा, तो वो वाले काम हमको करना है, जब तक काम होगा हमको करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 14x। यहाँ पे माइनस 5 प्लस 8, माइनस 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 13y, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x माइनस 4x तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ माइनस और प्लस लेके बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 3y। अब देखो यहाँ पे भी क्या सम एंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 6x प्लस 3y है, मतलब क्या, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 14x माइनस 13y और यहाँ से 3 को कॉमन लो, तो फिर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3y, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि और कुछ काम नहीं होगा, गलत लिखे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्या गलत, 3 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 2x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। जो स्टूडेंट्स को मेरा गलती पहला बार में दिखता है, तुम लोगों का समझ में आया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स को मेरा गलती पहला बार में नहीं दिखता है, मतलब जब हम कर रहे हैं तब अगर गलती नहीं दिखा, तो तुमको बेटा थोड़ा और मन लगा के देखना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कंसेंट्रेशन का लैगिंग हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। टीचर्स को ना कभी कभी जानबूझ के गलतियां करना पड़ता है, ताकि स्टूडेंट लोगों का कंसेंट्रेशन है कि नहीं वो हम लोग जान पाए, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 3 जो है 16, यहाँ पे तो फिर भी हम बहुत कम गलतियां करते हैं, क्योंकि वीडियो बना रहे तो गलतियां करेंगे, तो वो क्लास का जैसे इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन जो हम क्लास करवाते हैं वहां पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां। तब क्या होता है, जो गलतियां पकड़ लेता है तो मतलब उसका समझ में आ गया, अब जो गलतियां नहीं पकड़ पाते तब उसका समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो वो हमको पता चल जाता है। जनरली स्टूडेंट्स तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बताते भी नहीं हो कि सर मेरा समझ में नहीं आया है, कभी कभी टीचर को खुद से तुमको इंसिस्ट करना पड़ता है कि समझ में आया, फिर तुम बताते हो कि नहीं सर नहीं आया, तो फिर से हमको वही सेम वाला जो पूरा सम है एक और बार समझाना पड़ता है, तो बताना, ठीक है, ऐसा मत करना। तुम्हारा जो टीचर्स भी है, जितना सारा टीचर्स, मतलब जो टीचर्स के पास तुम ट्यूशन पढ़ते हो या फिर स्कूल का टीचर, जो भी जहां पे भी सम कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, या फिर मेरा वीडियो में भी तुम देख रहे हो, तुम्हारा जो भी सम समझ में नहीं आएगा उसको नीचे कॉमेंट करो कि सर मेरा ये वाला सम समझ में नहीं आया, ठीक है, हम फिर ट्राई करेंगे कि वो वाला सम एक और बार अपलोड करने के लिए, और तुमको उसमें टैग भी कर देंगे और लिंक भी तुम्हारा वो कॉमेंट में हम दे देंगे, ताकि तुम्हारे लिए वो ईजी हो जाए देखना, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 3 करते हैं, ये सम भी बहुत इजी है, यहाँ पे क्या है 16 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यही सम यही जैसा होगा, तो मतलब 4 4 16 16 होता है, तो 5x माइनस 4 इसको होल स्क्वायर, अगर अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट हो गया तो बाहर में सेकंड ब्रैकेट बनाना, ठीक है, बनाना मतलब बनाना नहीं है, ठीक है, देना सेकंड ब्रैकेट। चलो जोक सपाट, यहाँ पे 3, तो 3x माइनस 2 यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट करो होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हम क्या बताया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक, पहले मल्टीप्लाई का काम कर लो, तो 4 5 जा 20x माइनस 4 4 जा 16, तो यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, तो इसका होल स्क्वायर। अब क्या है, a प्लस b a माइनस b, तो 20x माइनस 16 माइनस नहीं प्लस करो 9x माइनस 6, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं a प्लस b, ये पूरा को हम a लिया है, ये पूरा को हम b लिया है। अब ये मत सोचना कि 20x माइनस 16 बाई a, नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं, तुम लोग ऐसा मत सोचना, ठीक है, तुम लोग ना ऐसे ऐसे सोच लेते हो कि हम लोग टीचर्स को भी मतलब तो सोचना पड़ता है कि तुम ये कैसे सोचे हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग का सोच भी अलग लेवल का होता है, अब हम लोगों को उस लेवल पे जाके समझना पड़ता है तुम लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे है 20x माइनस 16 माइनस 9x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर में माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाहर में जब माइनस होता है ब्रैकेट से निकलेगा तब भी चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तब भी चेंज होगा। अब क्या है, काम करना है क्या, 20 प्लस 9 तो 29x, यहाँ पे माइनस 16 माइनस 6 तो ऐड कर दो, तो 16 प्लस 6 क्या होता है 22, सिंपल सा बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 20 माइनस 9 तो 20 से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x, तो माइनस 16 प्लस 6 है तो मतलब माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये तो नंबर था, तो यहाँ पे ये क्या खत्म हो जाएगा क्या, और अच्छा यहाँ पे हम ये जो पूरा सम क्या है ना, एक छोटा सा गलती किया है, क्या तुम देखे हो, क्या तुम चेक किए हो, शायद तुम चेक नहीं किए हो, देखो ये वाला प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा, ठीक है, तो इस एक प्लस की वजह से हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, एक ये एक स्टेप में हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो हम माइनस करना था तो माइनस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस है तो सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए,
समझ में आ रहा है तो कि a माइनस बी था मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो a प्लस बी हुआ, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस लाइन में हमको चेंज करना है तो चलो चेंज कर लेते हैं। तो 20 से 29 यहाँ पे क्या हो जाएगा 29x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा का साइन बैठेगा सामूल में माइनस तो प्लस 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 20 से 9 माइनस करो 20 से 9 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा प्लस ऑब्वियसली भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 22। अब क्या होगा हम लोग का यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा लेकिन यहाँ पे जरूर होगा तो 29x प्लस 10 यहाँ पे भी क्या होगा 11 को कॉमन लो यहाँ पे क्या होगा 11 को कॉमन लो और यहाँ पे x प्लस 11। ठीक है तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्या हम सही लिखे नहीं और एक और गलती क्या है क्या यहाँ पे 11 कॉमन हुआ तो यहाँ पे 2। हाँ जो स्टूडेंट्स का समझ में ये मेरा गलती दिख रहा है ना हर एक समय तो तुम लोगों का समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हो लेकिन जो स्टूडेंट्स का ये सारे गलतियां समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोगों का बेटा कंसेंट्रेशन का लैगिंग है थोड़ा सा कंसेंट्रेशन का लैगिंग है तो कंसेंट्रेट करो जब कंसेंट्रेट करोगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो ऐसा नहीं कि तुम ये वीडियो देख रहे हो वीडियो देखते देखते कुछ तुम्हारा व्हाट्सएप का मैसेज आ गया अगर मोबाइल में देख रहे हो तो ये हर मतलब हर टाइम होता है बहुत सारे स्टूडेंट से होता है कि तुम मोबाइल में देख रहे हो और मोबाइल में देखते देखते तुम्हारा क्या हो गया कोई एक फ्रेंड ने मैसेज कर दिया कि चलो सीओसी में अटैक मार के चलो। ठीक है और तो कोई जब पबजी था तो बहुत सारे चलो एक मैच खेल लेते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो वीडियो वहीं पे बंद तो चलो सीधा पबजी में चलते हैं तो ऐसा मत करना है ऐसा मत करना है। ठीक है तुम जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो ही देखो ये तो ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए पूरा फुल फोकस यहाँ पे ही होगा पूरा जो फोकस है यहीं पे रखो तब जाके समझ बनेगा तब जाके मेरा गलती दिखेगा। अगर टीचर का गलती तो स्टूडेंट्स लोगों का तो हमेशा याद रहता है कि हाँ सर ने वही वाले सम पे वहां पे गलती किया था ये तो हर स्टूडेंट को याद रहता है कि नहीं जरूर रहता है हमको भी पता है हमको भी पता होता था हम जब बच्चे थे हम भी सर का बहुत सारे गलती सर आप यहाँ पे गलती किए वहां पे गलती किए लेकिन हमको बाद में पता चलता कि सर ने खुद से वो वाला गलती किया था कि स्टूडेंट्स लोग वो पकड़े। ठीक है यही सब हम भी जब छोटे थे हम लोग भी यही करते थे तुम लोगों को यही करना है तो पढ़ाई मतलब सिर्फ ये नहीं कि वीडियो ऑन करो बस देखते रहो और समझ बनाते रहो ऐसा भी नहीं। प्रेशर लेके कभी मत पढ़ना अगर मन हुआ तो पढ़ो एक घंटा में ऐसा पढ़ो कि 10 घंटे का पढ़ाई हो जाए मतलब 2-3 एक्सरसाइज एक घंटे में कंप्लीट कर लो। ठीक है तब जाके वो तुम्हारा इंप्रूवमेंट आएगा और कैसे होगा क्या होगा हर एक दिन एक एक एक्सरसाइज में देखो एक एक्सरसाइज करो मतलब हम लोग प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कि तुम नया वाला कंसेप्ट देख रहे हो नया वाला चैप्टर देख रहे हो तो एक घंटे में 2-3 एक्सरसाइज हो जाएगा नहीं जब रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो अगर कोई एक दो सब नहीं बन रहा है तो वो वाले सबको चेक कर लो और बाकी सारे खुद से बना लो अगर नहीं बन रहा है तो तुमको रिवाइज करना है तो बस वीडियो ऑन करो और फास्ट फॉरवर्ड कर लो तो देखना बहुत अच्छे से समझ बन जाएगा और बहुत अच्छे से हम जो समझा है ये समझ में आ जाएगा तो बस हो गया अब चलो उसको प्रैक्टिस कर लो साथ ही साथ। ठीक है एग्जाम में ना 100 out of 100 या फिर फुल मार्क्स लाने के लिए एक ही काम हम लोगों को करना होता है क्या पता है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब क्या पर डे 1 घंटा करके मैथ्स तुमको करना ही है तो देखना एग्जाम के एग्जाम में जब तुम बैठोगे तब देखना तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज रेडी हो चुका है पूरा बुक रेडी हो चुका है और 1 घंटा मतलब ये 1 घंटे में एग्जाम नहीं करना है 1 घंटे में एटलीस्ट एक एक्सरसाइज कंप्लीट करो एटलीस्ट एक एक्सरसाइज। ठीक है जितना सारा समय मतलब जितना भी बड़ा हो जाए छोटा हो जाए एक एक्सरसाइज विद इन 1 आवर कंप्लीट करना ही है। ठीक है विद इन 1 आवर कंप्लीट करो मतलब रिवीजन के टाइम हम बता रहे हैं पहला बार तो तुम्हारा 1 दिन तो टाइम लगेगा ही लेकिन वो भी फर्स्ट कंसेप्ट भी 1 दिन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग सम है देखो कैसे। अब देखो नंबर 4 इसका 3 का देखो क्या है 9x² माइनस 16 माइनस 1/16 ठीक ऐसे मत लिखना माइनस 1/16 यही सम है इसको क्या करोगे सिंपल सा सम है ये 3x का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे माइनस करो 1/16 है तो 1/4 का होल स्क्वायर तो बन गया मेरा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये 4 है हाँ अच्छा तो अब क्या करना है देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी फिर यहाँ पे क्या करना है a माइनस बी ठीक a प्लस बी a माइनस बी बस समेंट और कुछ नहीं करना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो 25 ये तो सम देख के तुम लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा हाँ ठीक है कर लो कॉपी में कर लो देखते हैं कि किसका पहले होता है। ठीक है चलो यहाँ पे जो है 5
यहाँ पे x माइनस टू वाई, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट करो, होल स्क्वायर करो, माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे अभी, अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो 5x माइनस 10y इसका होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक। ये सेकंड ब्रैकेट तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब करो 5x माइनस 10y प्लस 2, और यहाँ पे 5x माइनस 10y माइनस 2, ठीक है, यही हो गया आंसर, ठीक है। ये 5 को थोड़ा खाना कम मिला है, तो चलो खाना दे देते हैं, दे दिया, ठीक। अच्छा कॉम्प्लान पिला दिया तो बड़ा हो गया, चलो जोक सपाट। नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, मिडिल टर्म है, एकदम स्टार्टिंग आई, देख के लग रहा है तुम लोगों को भी लगेगा। देखो ए क्यू 4 का 1, ई क्यू माइनस 23 ए प्लस 42, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए क्यू माइनस 23 ए प्लस 42, तो पहले पहला काम क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो 13d में हम बहुत बार सिखाया है, बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहे हैं एडवांस वर्जन, तो ई क्यू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 2 जा होता है 42, तो 21 प्लस 2 यहाँ पे a बैठेगा प्लस 42। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाले साइन की वजह से 13d, अगर यहाँ पे सम जो कर रहे हैं हम, मिडिल टर्म जो किया है, समझ में नहीं आता है, तो एक्सरसाइज 13d में बहुत अच्छे से हम ये वाले मेथड सिखाया है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, वहां पे जाके चेक कर लो, देख लो, ठीक है, समझ लो, फिर यहाँ पे आ जाओ। तो एडवांस ये जो हम कर रहे हैं, एडवांस वर्जन में कर रहे हैं, कि थोड़ा एडवांस जाके कि एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं कि तुमको वो प्राइम फैक्टर निकाल के वो करना है, नहीं करना, डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए मार्क्स नहीं रहता है। तो 21 है माइनस 2a प्लस 42, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस में माइनस, ठीक। अब क्या है, यहाँ से कॉमन लो, तो a गया, तो a माइनस 21, यहाँ पे माइनस 2 आया, तो a माइनस 21, माइनस क्यों हो गया, बाहर में माइनस है, ठीक है, बाहर में माइनस किया, तो ये वाले प्लस भी माइनस हो गया। अब क्या होगा, a माइनस 21 को कॉमन लो, तो a माइनस 2 इधर आ गया आंसर। अब यहाँ पे कुछ तो हो नहीं सकता, समझ में आया, चलो नंबर 2 करते हैं, जरूर आया होगा। 13d जो स्टूडेंट्स किए हो उसका समझ में आ जाएगा, जो नहीं किए हो उसका समझ में अगर नहीं आया तो 13d देख लो। अब देखो नंबर 2 है ए क्यू माइनस 23a माइनस 108, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 21 यहाँ पे जो होता है ना 108, तो 108 के बारे में तो हम लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन 108 में अगर 27 होता है, तो 27 4 जा 108 होता है, क्योंकि 27 3 जा 21, 4 जा होता है 108, तो यहाँ पे 27 माइनस 4 करना है, 4 ए माइनस 108, यहाँ पे प्लस क्या, यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वाले साइन के लिए, ठीक है, ये वाले साइन के लिए। जो स्टूडेंट्स 13d नहीं देखे हो, एक और बार देख लो, नहीं देख, जो स्टूडेंट्स 13d नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, यहाँ पे आ जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, अब मल्टीप्लाई ए क्यू माइनस 27 ए प्लस 4 ए माइनस 108, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर हम वहीं पे सिखाया है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमको पता है, तो इसीलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मल्टीप्लाई जिसको नहीं पता होगा, प्राइम फैक्टर करो, वहां से ये वाले निकालो। तो यहाँ पे क्या है, ए तुम लोग को कुछ करना है ना, हम भी सारे कर देंगे, तो तुम लोग क्या करोगे, तो ए करो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 27 आया, यहाँ पे ए स्क्वायर कहाँ से आया, हाँ ए स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या है 4a, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन ही गलत लिखा था, वही सोच रहे थे ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a होगा, हाँ। तो अब देखो ये ए क्यूब हो जाएगा, तो वो वैनिशिंग मेथड, मतलब उसका मेथड कुछ और ही है। अच्छा तो यहाँ पे 4 कॉमन लो, तो a माइनस 27, माइनस क्यों हुआ, देखो बाहर में माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस लेना है तुमको, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस लेते तो इसका साइन चेंज हो जाता, लेकिन हमको इसका तो साइन चेंज करना ही नहीं है, तो फिर बाहर में प्लस कर दो, जो है वही कर दो, तो अंदर में साइन भी जो है वही रह जाएगा। अब क्या है, ए माइनस 27 ए प्लस 4, दिस विल बी आवर आंसर, समझ में आया। जिसका समझ में नहीं आया, 13d देख लो, बहुत इजी सम से कुछ नहीं है, और वहां पे हम कुछ नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो नया मेथड जो इंट्रोड्यूस किया है वो देख लो, समझ में आ जाएगा। 14-2 हो गया, 14-3 मतलब 4 का 3 करते हैं। अब देखो नंबर 3 करते हैं, किसका 4 का। अच्छा देखो ये जो है उल्टा सम है ना, 1 - 18x - 63x2, ये जो है उल्टा सम है, लेकिन हम लोग उल्टा नहीं सोचेंगे, हम लोग वैसे ही सोचेंगे। तो क्या होता है, 7 9 63 होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस करना है, अच्छा तो प्लस नहीं करना है, तो यहाँ पे 21 3 जा होता है ना, तो 21 से 3 माइनस कर दो, तो 1 - 21 - 3x - 63x2, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 - 21x + 3x - 63x2, यहाँ पे कॉमन लो, तो क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे 1, तो 1 - 21x ही ले लो,
21x ब्रैकेट में, तो प्लस 3, हाँ 3x भी होगा, ठीक है 3x भी होगा, यहाँ पे 3x भी होगा, तो 1 माइनस 21x, तो अब क्या है 1 माइनस 21x और 1 प्लस 3x, दिस विल बी योर आंसर। चलो नंबर 4 करते हैं, 4 का 4, देखो 5x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12y स्क्वायर। अब देखो इसको देख के तुम लोगों बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर ये तो a माइनस b होल स्क्वायर या फिर a प्लस b होल स्क्वायर में जाएगा, लेकिन बेटा देखो ये क्या स्क्वायर टर्म में है, a प्लस b होल स्क्वायर या माइनस b होल स्क्वायर टर्म में जाने के लिए ये वाला टर्म स्क्वायर में होना चाहिए, ये वाला टर्म भी स्क्वायर में होना चाहिए, ये दो टर्म स्क्वायर में नहीं है, तो मतलब ये जो है इसी केस का एक्सेप्शनल केस है जो हम 13d में बताया था, 13d में बताया था, ठीक है मतलब कहीं पे बताया है, ये जो फैक्टराइजेशन किया है ऑलरेडी, ये वाला बात हम लोग बता चुके हैं, कौन सा वाला एक्सरसाइज हमको उतना याद नहीं, लेकिन ऑलरेडी हम बताया है ये याद है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा 12 5 जा क्या करना है 60, मतलब पहला काम तो मेरा क्या है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो है आंसर आया 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 लाना है, तो 60 क्या होता है 10 × 4, ठीक है 10 × 6, तो 10 × 6 = 60 होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x square minus 10 minus 6xy minus 12y square, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5x square minus 10xy plus 6xy minus 12y square, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 common लो, 5x common लो तो x minus 2y, ठीक है प्लस यहाँ पे 6 common लो 6y तो x minus 2y, ठीक यहाँ पे x minus 2y, यहाँ पे 5x plus 6y will be the answer, और कुछ कोई नहीं सकता, समझ में आ रहा है। अब देखो नंबर 5 करते हैं, 5 में देखो x इंटू 3x प्लस 14 प्लस 8 ये सम है, तो इसमें क्या करना है कुछ नहीं, पहला वाला काम ही मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे करते हैं तो कि 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, अब ये सम बन गया, तो क्या करना है 8 3 सा 24 हो गया, तो 24 मतलब कैसे ब्रेक होगा बताओ, 14 लाना है 8 3 24, तो 24 आया है, तो 24 12 2 अच्छा, तो 3x square plus 12 plus 2x plus 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x square plus 12x plus 2x plus 8 equals to, यहाँ से common लो तो 3x common जाएगा तो x plus 4, यहाँ पे plus 2 common लो तो x plus 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x plus 4, यहाँ पे 3x plus 2, this will be your answer, sums are easy, है कि नहीं, sums are easy, एक बार बस ये middle term break हो जाए तो बाकी सारे sums easy है, तो ये break क्या करना है 13D में हम बताया है, वहाँ पे जाके check कर लो। तो देखो number 6 करते हैं, 4 का 6, 5 minus 4x 1 plus 3x, अब देखो यहाँ पे जो sum है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर सोचेंगे, तो 4x प्लस 4 3 सा 12x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे प्लस देख के प्लस पुट कर दिया था हमने, लेकिन ये गलत है, क्यों बाहर माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, जो स्टूडेंट्स को ये गलती दिख गया था पहला बार में ही, तुम लोगों का कंसंट्रेशन ठीक है, जो स्टूडेंट्स का ये वाली गलती नहीं देखा है तुम लोग थोड़ा सा और कंसंट्रेट करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा सर के ऊपर से, मतलब दो बातें होता है ना, एक ऑन द हेड जाता है एक अबव द हेड जाता है, तो तुम लोगों का अबव द हेड जाएगा, ऑन द हेड भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब जो है यहाँ पे देखो माइनस है, तो मतलब 12 5 60, वही सेम लास्ट सम में जो किया था कुछ देर पहले, तो कर लो थोड़ी देर पहले क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 क्या था फिर x, यहाँ पे 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे 10x प्लस 6x माइनस 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कॉमन लो तो 1 माइनस 2x, यहाँ पे 6, तो 6 कॉमन लो तो यहाँ पे अच्छा 6x कॉमन जाएगा तो 1 माइनस 2x, ठीक है यहाँ पे x है यहाँ पे x स्क्वायर है तो x कॉमन जाएगा जरूर, तो 1 माइनस 2x बाहर आ गया, तो यहाँ पे 5x प्लस 6x, दिस विल बी आंसर, समझ में आया। अब चलो नाउ 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है देखो क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 40, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, 40 है तो मतलब 8 5 जा है ना, 8 5 जा, तो x square y square minus 8 minus 5, तो आ गया मेरा 3, तो minus 40, है ना 40 मतलब 5 8 जा 40 होता है, तो 8 minus 5, तो हमेशा हम क्या सिखाया है बड़ा वाले को सामने रखना, ठीक है greater one को, ठीक हाँ, तो x square y square minus 8xy plus 5xy minus 40, तो यहाँ पे common लो, तो xy common जाएगा, यहाँ पे xy minus 8 plus 5 common गया, तो xy minus 8,
प्लस है तो माइनस ही रहेगा, कोई बात नहीं। तो एक्स वाई माइनस 8 को रख दो यहाँ पे और फिर बाकी जो है एक्स वाई प्लस 5 को आंसर कर दो, यहाँ पे कुछ कम नहीं होगा। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर फिर माइनस 5 3x माइनस 2y माइनस 24, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, सेम ही टाइप का है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये लेट 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू a, तो हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 24, तो हो गया मेरा काम। तो क्या है 24 है ना, 24 से 5 लाना है, क्या करना है, तो 8 3 जा है ना, 8 3 जा तो हमको यहाँ पे आ गया, तो 8 माइनस 3 a माइनस 24। यहाँ पे a क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x है y है, तो जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में होगा वो छोटे तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम a लिया है, तुम a टू z कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट x एंड y, ठीक है, किसी को भी ले लो कोई भी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर x और y को ले लोगे तो टीचर बुरा मान के तुम्हारा सम को क्रॉस कर देगा, ठीक। चलो अब क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 8a प्लस 3a माइनस 24, अब a कॉमन लो तो a माइनस 8 प्लस 3 कॉमन लो तो a माइनस 8, अब क्या है a माइनस 8 और यहाँ पे a प्लस 3, ठीक, a माइनस 8 a प्लस 3, लेकिन यहाँ पे सम एंड नहीं हुआ, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहाँ पे लिखना है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x मतलब ये 3x माइनस 2y, बस a की जगह वही पुट कर दो, तो 3x माइनस 2y माइनस 8 और यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 3, ठीक, ये हो गया आंसर, समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 4 का 9। अच्छा देखो वही वाला सम है, 12 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस यहाँ पे 35। तो यहाँ पे क्या करना है, लेट a प्लस बी दैट इज इक्वल टू x, जब a प्लस बी रहेगा तो x ले लो, सिंपल सा, तो क्या हो गया 12x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 35 इंटू 12 करना है, ठीक है, लेकिन हमको 1 लाना है, ये ध्यान में रखना, 35 इंटू 12 करना है 1 लाना है, तो इंटू 12 करके हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ एडवांस वर्जन, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर्स आएगा, तो फिर क्या होगा 12 का फैक्टर्स कितना है, देखो 3 4 जा 12 और 4 को भी ब्रेक करो 2 into 2 तो ये हो गया। अब क्या करना है 35, 35 मतलब क्या है 5 into 7, तो मेरा टोटल फैक्टर्स ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाल के देखना इतना ही होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुमको 1 लाना है, तो क्या 7 2 जा 14 5 2 जा 10 3, तो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा 21 20, है ना, तो हो गया, तो 12x square minus 21 minus 20, देखो 1 आ रहा है minus 35, ठीक है, समझ में आया, ये जो है थोड़ा एडवांस वर्जन हम सिखा रहे हैं, प्लस 20x minus 35, एग्जाम में कैसे करोगे, यहाँ पे जो है 3 कॉमन लो, 3 जाएगा x जाएगा, तो 3 4 जा 12x 3 7 जा, तो फिर यहाँ पे प्लस 20, 20 तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 4 जा 20 4x माइनस यहाँ पे भी 7 होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 4x माइनस 7 को कॉमन ले लो, यहाँ पे 3x प्लस 5 को कॉमन ले लो। अच्छा यहाँ पे कितना कॉमन जाएगा 5, तो ये आपको कैसे पता चला, तो हमको कितना लाना है 4x लाना है यहाँ पे, है ना, ये और ये तो इक्वल होना है, तो 4x लाना है, तो 20 से कितना कॉमन लेने से 4x आएगा, बस हम सोच लिए कि 5 कॉमन लेने से, तो ये तो ऑटोमेटिकली आएगा, समझ में आया। अब चलो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, वही सब लिख देना, ठीक है, ये जो स्टोरी दिखाया हम वही स्टोरी लिख देना, क्योंकि स्टोरी नहीं लिखोगे तो मार्क्स थोड़ा सा कम आएगा, तो इतना मेहनत किस काम का, मार्क्स का, तो स्टोरी लिखना है a प्लस बी माइनस 7 सेकेंड ब्रैकेट दो के अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी 3 a प्लस बी प्लस 5, अब क्या करना है, काम खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करना है 4 a प्लस 4 b माइनस 7, ये हुआ एक, यहाँ पे क्या होगा 3 a प्लस 3 b प्लस 5, ये हुआ एक, this will be our answer, check कर लो। चलो now moving on to the question number 5।